हाँ यार, अगर आप यार सिबाइनू होल्डर्स हो तो काफ़ी तगड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दो, सिबाइनू जो है पिछले 24 घंटे में अपने अंदर से 1-0 किल कर चुका है और लगभग 40% का गेन पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है। वैसे क्या कारण है यार इसके पीछे, तो सडनली इतना हैवी यहाँ पे स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है सिबाइनू की प्राइस में, और फ्यूचर हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो देखो यार, इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीजन है। एक काफ़ी कमाल की अपडेट आपको दे दूँ, इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से ये सिबाइनू जो है इथेरियम टॉप वेल्थ के अंदर सेकेंड मोस्ट फेवरेट टोकन यहाँ पे बना हुआ है। और अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अभी भी जो इथेरियम के टॉप 100 वेल्स है, यानी कि सबसे बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं इथेरियम के, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी भी लगभग 10% के आसपास की जगह दी हुई है सिबाइनू को, यानी कि 10% होल्डिंग सिबाइनू एक मीम टोकन के अंदर, जब कितने सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्रिप्टो है मार्केट के अंदर, उसके बावजूद यार टॉप 100 इथेरियम वेल्स ने इतना हैवी इसको यहाँ पे क्यों वैल्यू दिया हुआ है, इसके पीछे का कारण जानेंगे। वैसे तो देखो यार, मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ सिबाइनू रिलेटेड जो भी बड़ी अपडेट आती है। बता दूँ, सिबाइनू का जो वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे में 400% से ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और लगभग 1.75 बिलियन, लगभग 2 बिलियन के आसपास यहाँ पे वर्थ के सिबाइनू टोकन एक्सचेंज हुए हैं हैंड में। ये सब काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके पीछे का एक कारण है सिबाइनू के अंदर आने वाला बहुत जल्द एक काफ़ी बड़ा इवेंट, जिसके बारे में काफ़ी लंबे समय से बता रहा हूँ, जो कि होने वाला है सिबेरियम एक लेयर 2 सॉल्यूशन। जो काफ़ी सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि सिबाइनू जिस लेवल पे ग्रो हो रहा है, अगर वो अपने रियल लाइफ यूज केसेस को इंक्रीज नहीं करेगा तो ये फिर आपको ख़त्म हो जाने वाला है। और यहाँ पे सिबाइनू जो है वो नेक्स्ट लेवल ग्रो हो रहा है। बता दूँ, डॉज कॉइन को पछाड़ चुका है रियल लाइफ यूज केसेस इंक्रीज करने के लिए। सिबाइनू अपने लेयर 2 सॉल्यूशन सिबेरियम को लॉन्च कर रहा है, जो कि इथेरियम के ऊपर यहाँ पे होने वाला है, और इथेरियम की गैस फी को कंट्रोल करने का यहाँ पे काम करेगा। और इससे एक और बड़ा फायदा ये होगा, सिबाइनू की जो करेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसको भी 24/7 बर्न यहाँ पे करने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यार सिबाइनू का जो सिबेरियम है, और इवेंट काफ़ी खास होने वाला है खासकर सिबाइनू के लिए। सिबाइनू का रूपरेखा बदलने वाला है ये इवेंट, ऐसा समझ सकते हैं। वैसे इवेंट डिले हुए जा रहा है, जून में इवेंट को होना था जून लास्ट में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं बन दिख रहा है क्योंकि सिबेरियम यहाँ पे लॉन्च होगा। और बता दूँ, सिबाइनू का सिबा स्वैप 2.0 भी आने वाला है, जिसके थ्रू अब हर स्वैप के ऊपर सिबाइनू यहाँ पे बर्न होगा। तो भैया, अगर लॉन्ग टाइम के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो सिबाइनू को, लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से भैया बहुत सॉलिड ही अपने आप को ग्रो हो रहा है। और ये दो चीज़ है जो सिबा स्वैप 2.0 और सिबेरियम, ये बहुत खास होने वाले हैं सिबाइनू के इकोसिस्टम के अंदर। वैसे बर्न पोर्टल है जिससे सिबाइनू लगभग 55 बिलियन से ज़्यादा बर्न हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि आपको जाके बर्न करना पड़ेगा, जो सब कोई बर्न नहीं करता, लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, सिबाइनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई काफ़ी यहाँ पे कम होने वाली है। तो इसी कारण यहाँ पे 24 घंटे में लगभग 1-0 यहाँ पे किल हो चुका है, और अब सिर्फ 4-0 बचे हुए हैं। जो किल अगर होता है तो सिबाइनू $1 पहुँच जाने वाला है भैया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इतना जल्दी सपना नहीं देखना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो, अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से शायद जो है जिस हिसाब से मूव हो रहा है तो कर सकता है, लेकिन बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसे ही हम सपनों में नहीं जिएंगे। तो ये पूरा सीन है जिसके कारण सिबाइनू में सडन हमें स्पाइक देखने को मिला है। वैसे मार्केट में और भी काफ़ी सारे बज चल रहे हैं, और इस बियर फेस के अंदर खैर मार्केट डिमांड नहीं होती, उसके बावजूद सिबाइनू में यहाँ पे 40% का पंप हुआ है। तो ये जो इवेंट है इसके कारण हुआ है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इवेंट डेफिनेटली सिबाइनू के प्राइस में पंप लाएगा, और देख सकते हैं इवेंट के पहले हमें देखने को मिला है, और इथेरियम के बड़े वेल्स ने यहाँ पे बाइंग और डीप में शुरू कर दी है, और जो डीप में काफ़ी सारे लोगों ने उठाया, यानी कि अगर आपने थोड़े भी डीप में भी सिबाइनू को उठाया होता तो अभी तक आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल चुका होता। खैर, अभी यहाँ पे डेफिनेटली ये इवेंट है, ये सिबाइनू के प्राइस में और हमें यहाँ पे स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप क्या सिबाइनू होल्डर है कमेंट में जरूर बताना, बाकी और ऐसे क्रिप्टो अपडेट के लिए बन रह सकते हैं। तो आज का इतना ही, बाय बाय।